हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट चल रहा है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की हमारी सीरीज चल रही है। डिटेल वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बुक का भी रेस्पॉन्स मुझे मिला है, कल भी जान के मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन ठीक है। जिसके पास भी नोट्स अवेलेबल नहीं है और वो बुक बाय करना चाहता है तो स्वागत है। विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स के आपके मेल आईडी पर वो बुक आ जाती है, जिससे आपको एग्जाम में प्रिपेयर करने से हेल्प होती है। मात्र 99 रुपीज़ में वो बुक अवेलेबल करा रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर का अभी अपन ने मैनेजर और उसका डिफरेंस समझा था। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स और एंटरप्रेन्योर के टाइप्स दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। अभी अपन ने जो एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप, सर्विस एंटरप्रेन्योरशिप या सर्विस एंटरप्रेन्योर पढ़ा था, वो एंटरप्रेन्योरशिप में आप लिख सकते हो। ओवरलैप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन दोनों का थोड़ा थोड़ा सेपरेट है, तो मैंने अलग अलग बताया। तो अब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर, जो नई कुछ थिंग्स कर रहे होते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम में वर्क कर रहे होते हैं, जो कोई सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो ट्रेडिशनल वेलफेयर होते हैं। सोशल एंड वेलफेयर, सोशल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये रिसाइकलेबिलिटी, रीयूज के जो न्यू कंसेप्ट आए हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट, इसके लिए बात कर रहे होते हैं वो सोशल। सीरियल एंटरप्रेन्योर आर इंडिविजुअल हु रिपीटेडली स्टार्ट एंड बिल्ड न्यू बिजनेस, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर तीसरा बिजनेस स्टार्ट किया, और तीनों क्या करें, तीनों सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी है, तीनों सोसाइटी को एड ऑन कर रहे हैं, तीनों जो है वो नॉवेल थिंग्स हैं, तो वो सीरियल हो गए। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स, जो कॉर्पोरेट में से निकले होते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर्स है ना, जो कॉर्पोरेट में से बिल्ड हुए होते हैं, मतलब पहले उनकी जो ट्रेनिंग हुई है किसी कंपनी के अंडर में हुई है और फिर उन्होंने खुद की अपनी सेम काइंड ऑफ बट थोड़ा सा डिफरेंट एक स्टार्टअप किया और उसको सक्सेसफुल बनाया, तो वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स आ गए। टेक्नोप्रियोर्स, टेक्नोप्रियोर्स वो है जो टेक्निकल काइंड ऑफ कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, लाइक रेड बस हो गया, पेटीएम हो गया, उबेर ओला हो गए, तो वो टेक्नोप्रेन्योर्स में हो गए। लाइफस्टाइल के संबंधित कोई अगर स्टार्टअप आ रहा है, लाइक देयर हॉबीज, लाइफस्टाइल प्रेफरेंस में, लाइफस्टाइल प्रायोरिटाइज द फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनल फुलफिलमेंट ओवर फाइनेंशियल ग्रोथ, लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर्स का आप ये मान के चलिए कि ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं बेसिकली, जो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो फुलफिल कर रहे हैं लाइक, बट इनकी जो हॉबी है, इन्हीं ने उसको हॉबी है उसी से वो बिजनेस बना रहे हैं। लाइक कि एक यूट्यूबर, यूट्यूबर है लेकिन वो कुछ नया नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस बना रहा है जिससे सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी हो रही है, या कुछ नया नोवेल चीज़ें लोगों को जानने को मिल रही है, तो वो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर है। मतलब कि आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में कुछ कर रहे थे, है ना, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा था, लेकिन आपने उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करा, जिस बिजनेस से आपको क्या मिलने लगा, आपको ग्रोथ होने लगी, प्रॉफिट होने लगा, तो वो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर हो गए। ऐसे मैंने एक एग्जांपल बहुत अच्छा देखा था, नागपुर डिस्ट्रिक्ट का वो एग्जांपल था। पानी का सूखा रहता था वहाँ पे, और सूखे के बाद वहाँ पर जो क्रॉपिंग होती थी वो काफ़ी डाउन में आती थी। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है, वहाँ पर फर्टिलाइज़र यानी बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ हुआ, और वो उन्होंने बायो फर्टिलाइज़र, वो मतलब पुश्ते नहीं बना रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उस बायो फर्टिलाइज़र को थोड़ा एडवांस कर दिया, मीन्स के उसको पेटेंट करा लिया और उसकी ब्रांडिंग वगैरह करके उसको सेल करने लगे, और जिससे वाटर की जो लेवल है वो बड़ा, पेस्टिसाइड का लेवल है वो कम हुआ, और हमको एक कह सकते हो कि एक ऐसा फूड मिला जिस पे कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किए गए, और उनकी ग्रोथ काफ़ी हुई, और एज अ फार्मर्स की ज़िंदगी को काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा उन्होंने, तो वो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ गया। स्केलेबल एंटरप्रेन्योर्स आर दोज एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेस हैव अ पोटेंशियल रैपिड ग्रोथ, मतलब ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो उस बिजनेस को टारगेट करते हैं जो आगे जाके ग्रोथ करने वाला है। तो सर, आप यहाँ पर आपके मन के अंदर आ रहा होगा कि सर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है हमको, एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स क्या क्या हैं। तो इतने सारे टाइप्स याद मत रखना, क्योंकि डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हमको लिखना क्या है एग्ज़ाम में, लिखना ये है कि जितना जो जो नेचर का आपको समझ में आता है, उतने नेचर के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं।
कि कोई स्केलेबल एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो आगे जाके विजन बना रहा हो, कोई कॉरपोरेट का एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो एंटरप्रेन्योर्स की बात आ रही हो, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर हो सकता है जो सोशली वर्क कर रहा हो, सोशल वर्क के लिए कहीं काम कर रहा हो, कोई लार्ज स्केल का एंटरप्रेन्योर हो सकता है, स्मॉल स्केल का एंटरप्रेन्योर हो सकता है ना, कोई अपने हॉबीज को जब आगे बढ़ाएगा तो वो लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर में आ जाएगा, कोई फाइनेंस का एंटरप्रेन्योर होगा तो उसको फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंस एंटरप्रेन्योर कह देंगे। मींस के जितने भी सेक्टर्स हैं आप उनके नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लगा के अपना एक क्वेश्चन फुलफिल कर सकते हो। कोई 7-8 ही लिखना, ज़्यादा मत लिखने लग जाना, है ना, समझ में आ गया। यानी कि फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस बैंकिंग तो चलो एक में आ गया, इसके अलावा ऑटोमोबाइल हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, सोशल वर्क हो गया, जो भी आपको लग रहा है टेक्नोप्रियोन्योर्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहा है, इंफ्रा का एंटरप्रेन्योर हो गया, तो आप उसकी बस नाम के आगे एंटरप्रेन्योर लगा के उसमें 2-3 लाइनें अपन को एड ऑन करनी है, और इसमें तो MBA वालों की कोई मुकाबला ही नहीं है ना। अब आ जाते हैं फंक्शंस, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के काम क्या क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योर के जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी के सिमिलर उसके फंक्शन भी होते हैं। लाइक वो इनोवेशन करेगा, वो रिस्क लेगा, वो विजनरी होगा और आगे विजन की बात करेगा, वो लीडरशिप एक्ट करेगा, वो कैपिटल रेस करेगा, मतलब वो कैपिटल रेस करेगा, वो अनसर्टेनिटीज से बचाएगा, वो रिसोर्स अलोकेशन करेगा, वो रिस्क लेगा, ठीक है, और वो लीडरशिप करेगा, नेटवर्क बिल्डिंग का काम करेगा और एडेप्टेबिलिटी हो गई, मतलब जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही उसके ऑलमोस्ट फंक्शन भी होते हैं। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर का क्या काम है, एक बिजनेसमैन का क्या काम है, बिजनेस करना, प्रॉफिट जनरेट करना, इसी तरह के एंटरप्रेन्योर का काम भी यही है, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन करना, प्रॉफिट जनरेट करना, रिस्क कम करना, रिस्क को मिटिगेट करना, अवॉइड तो करा नहीं जा सकता क्योंकि बिजनेस है, इसके अलावा लीडरशिप की एक्टिविटी करना, एडेप्टेबिलिटी करना, रिसोर्स का अलोकेशन करना, रिसोर्स का अलॉटमेंट करना, रिसोर्स का अरेंजमेंट करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, मार्केटिंग करना, सारी की सारी चीज़ें आपकी एंटरप्रेन्योर के फंक्शन में आ जाती है। तो एंटरप्रेन्योर के टाइप्स, जितने तरीके के वर्क होते हैं उतने तरीके के एंटरप्रेन्योर के टाइप्स लिख लेना, और फंक्शन के अंदर जो जो भी ऑनर काम करता है वो इसके फंक्शन हो गए। आई होप बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन में से एक रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और आगे सीरीज बढ़ाते हैं। जय हिंद।